चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्या कोई मुसलमान अगर आंदोलन में आएगा तो उनके जाके घर बार पे कोई दुकान कर रहा तो उनको बंद करोगे? जो कुछ प्रशासन ने बंद किसी का करा वो खोल दो, भलाई इसी में ही है। मंत्री गाली गलौज करेगा तो मंत्री के तो प्रवचन है, हमने कुछ कह दिए तो हमारी न्यूसेंस है। देश में संविधान एक है, हम भाई गिरफ्तारी देंगे लखीमपुर खीर में, यहां से ट्रैक्टर से जाएंगे। अपने बचाव के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, संघर्ष। आप सभी का धन्यवाद अध्यक्ष जी की आज्ञा से। समस्त खाप चौधरी किसानों, नौजवान साथियों, हमारे बहुत पदाधिकारी यहां पे आए हुए हैं, राष्ट्र के भी हैं, प्रदेश के हैं, जिले के हैं, मंडल के हैं। और दिक्कत है, यहां पे कोई आया नहीं आपका था पता लेने, मतलब अता पता लेने कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कोई आ नहीं रहा, चल रहा सारा बेईमानी का खाड़ा। तो अब समझ में आ गया कि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और बहुत जगह लड़नी पड़ेगी, अकेले ये नहीं कि एक जगह से काम चल जाएगा। यहां का भी मामला, भूमि अधिग्रहण का मामला, भाई जब तक रास्ता नहीं बैठेगा काम नहीं चलेगा वहां पे भी बिल्कुल भी। वो आज बैठा लो वो दो साल में बैठा लो, जब तक बातचीत नहीं होगी और डराने धमकाने का काम करे ना उस पर प्रशासन। हम पहले तो सोचते थे कि भाई रूटीन में, चलो रूटीन में किसी का लिखा गया होगा, किसी का मुकदमा रूटीन में लिखा गया होगा, लेकिन ये साजिशन है, ये साजिश है, ये इत्तेफाक नहीं है कि जो लोग वहां पर धरने में आ रहे उनके जाकर दुकानें बंद कर रहे। जो कुछ प्रशासन ने बंद किसी का करा वो खोल दो, भलाई इसी में ही है, भलाई इसी में ही है, इसी में ही कि वे खोल दो जिसकी भी दुकान बंद करी। क्या कोई मुसलमान अगर आंदोलन में आ गया तो उनके जाके घर बार पे कोई दुकान कर रहा तो उनको बंद करोगे? कोई सिख समाज के लोग आ गए तो उनकी जमीनें नापते फिरोगे? कोई और आदमी संगठन में आ गया कि जमीन नाप कर डराने का काम करोगे? ये कोई विधायक और ये कोई एमपी नहीं है कि जो तब इन्हें डराने का काम करोगे। एक तो अपनी आदत सुधार लो, अगर यहां पे रहना है पोस्टिंग ठीक काटनी है तो अपना ठीक होगा काम कर लो, ये नहीं कि जो लखनऊ कहेगा आप वही करोगे, हरकत करोगे, वो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। यहां पे गन्ने का भुगतान, मतलब 650 करोड़ रुपए बकाया, प्रधानमंत्री भी कह रहे, मुख्यमंत्री भी कह रहे कि 14 दिन में भुगतान कर दिया जी अपना, तो मतलब झूठ बोलने का, मतलब टेंडर ही ले लिया सबने, कह रहे जी भुगतान कर दिया, आपसे ज्यादा भुगतान किसी का नहीं हुआ। अखबार में भी वही आवे, टीवी पे भी वही आती है जी भुगतान हो रहा, बहुत भुगतान, अब की बार से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ जी कभी भी। पता नहीं कौन सा गणित है भाई, यही हाल बिजली का है। घोषणा पत्र में कह रहे कि बिजली फ्री रहेगी, मीटर लगा रहे, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आवेगी भाई वो बता दो, उस इंजीनियर साहब अभी मिला दो, नहीं तो इंजीनियर गांव के ही है भाई, फिर मीटर में को फ्री बिजली कैसे आओगी वो फिर हमको बता। घोषणा करके कि आधे रेट हमने कर दिए, धोखा देखो इनका, धोखा के रेट हाफ कर दिए। सबने सोचा भाई 13 महीने आंदोलन चला, रेट आधे कर दिए, बड़ी खुशी मनाई, चलो भाई मुख्यमंत्री ने ठीक काम करा, एक काम तो ठीक कर ही दिया। अब मीटर लगा रहे 10 हॉर्स पावर की 23 बनाए थी, तो जो वो जितना 175 चल रहा था वो तो दुगने से भी 3 पावर का और ज्यादा होगा। ऐसा इलाज हमने होता देखा नहीं किसी का, जैसा इन्होंने कर दिया, मतलब रोज की राड चारे, रोज की राड चारे। एक वहां बयान दे दिया लखीमपुर खीरी में,
हमने कहा आवे जो गुंडा तत्व है वो लखीमपुर खीरी में ही रहे हैं, जो मंत्री के लोग हैं वो इसी जिले में रहते हैं, जिन्होंने हमारे लोग मारे वे गुंडे आदमी उनका निवास स्थान यही है। त्रोट मोड गए जी आपने तो लखीमपुर सारे लखीमपुर खीरी को ये कहा कि लखीमपुर खीरी में गुंडे रहे। अरे सारी वीडियो दिखा दो, हमने कहा कि जिन लोगों ने आदमी मारे वे गुंडे लोग लखीमपुर खीरी में रहे, हमने ये कहा और उसमें मुकदमा दर्ज करा। हम भाई बेल बाल तो करवाते नहीं, हम गिरफ्तारी देने जाएंगे वहां पर ट्रैक्टर से। एक गिरफ्तारी ये प्रशासन बता दो उनके पास में 20-25 दिन का टाइम LIU यहां पर होगी और रिपोर्ट हमने भी भाई उस मंत्री के खिलाफ, उसने भी किसानों को कुत्ता पता नहीं क्या क्या कहा। मतलब मंत्री गाली गलौज करेगा तो मंत्री के तो प्रवचन है, हमने कुछ कह दिए तो हमारी न्यूसेंस है। देश में संविधान एक है, हम भाई गिरफ्तारी देंगे लखीमपुर खीर में, यहां से ट्रैक्टर से जाएंगे, हमें 12-13 दिन तो लगेंगे लखीमपुर में जाने में। प्रशासन होगा यहाँ का बता दियो, हम अपनी तैयारी करेंगे भाई, जिस जिसको चलना होगा अपना चलियो। और भी मुकदमे कर रखे, एक पासपोर्ट था हमारा उस पर वो रिन्यूअल नहीं, 20 साल का था वो, कब जा रखा है इन्होंने। 18 के मुकदमे लिख दे के पासपोर्ट नहीं बनाना इनका। पासपोर्ट एक दस्तावेज है, जो लोग बाहर जाते हैं विदेशों में अगर उनके पासपोर्ट बन रहे हैं वे कतली है वे जा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट ना बन जा रहा के इसी के इसे कब्जा कर रखो। बहुत मुकदमे लगाए, इनका भी करेंगे इलाज जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं भाई, इलाज तो इनका होना है। यहां का गन्ने का भुगतान, बिजली के इशू, ये जमीन का इशू है, यहां रुकना पड़ेगा। हम इसलिए पहले आए, उसके बाद में सारे चौधरी बोल लेंगे, रुकना पड़ेगा। हम भी यहीं रहेंगे, कल भी यहीं रहेंगे और हम यहां से ही प्रोग्राम करेंगे। परसों सहारनपुर का प्रोग्राम है, यहां से ही करेंगे। एक टिकट यही रहेगा, कोई सा ना कोई सा। अगर हमें लखीमपुर भी जाना पड़ा तो यहां जरूर होगा, इनका इलाज कर लो। और ये भी बता दो भाई, जिला पंचायत के मेंबर हैं, जिला पंचायत नॉन पॉलिटिकल होती है, सुन लो ये अधिकारी भी आगे DM और मुझे फलगर के भी इस कमिश्नरी के, मतलब उनको वे डर डरा के वे टिकैत साहब के पास मांगे सीजोल लिखे ले जी हमें जमी आशीर्वाद दे तो हम भी इलेक्शन वो लड़ लेंगे। उनके सारे कैंडिडेट ठा लिए, चलो हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, ठा लिए होंगे वे। अब उन्हें एक रुपए का काम नहीं दे रखा, या तो भाई वहां किसी का नहीं होने का या फिर उनका भी होगा। इनके विधायकों के साथ में आपको जो कुछ करना हो तो कर लियो, MPU के साथ में कर लियो। ये जिला पंचायत के नॉन पॉलिटिकल है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे वहां पे, जिला पंचायत पे ताव लगेगा। अगर जिला पंचायत के इनके साथ में आप हरकत करोगे तो हम उनके साथ में रहेंगे। जिला पंचायत पब्लिक सुनकर भेजती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता। एक संघर्ष तो करना पड़ेगा, आप इनसे जितने डरोगे ये उतने ही आपकी तरफ आवेंगे, जितने इनकी तरफ पूजाओगे ये पीछे हटेंगे। एक और अगर किसी को भाई डर भय लगता हो तो, क्योंकि बात तो सबकी करनी चाहिए इनकी भी करनी चाहिए भाई, एक तबीज है वो कमल का फूल है, अगर उसे आप ले लोगे हाथ ठाक है उसे स्वीकार कर लोगे, फिर आप कहीं घूमते फिरो कोई छेड़खानी नहीं करे यहां देन। अरे बताना तो पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा। और भाई कोई उसे अगर नहीं लगा होगा तो उसे कुछ ना कुछ ये छेड़खानी करते रहेंगे, ये सुताई मांग रहे और कुछ नहीं, ठीक है। एक सुताई में ठीक हो जा काम बस बिल्कुल। तो अपने कमेटी बनाओ गांव में, 10 रुपए का मेंबर बनाओ। अब लड़ाई ये होगी कि ये हमले कर रहे हैं हमारे ऊपर, अपने बचाव के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, संघर्ष। ये हमारे घर पर आगे
इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो ये जमीन जायदाद सारी जाएगी। कुछ सरकारी संगठन भी भाई उनका भी ध्यान रख लियो, सरकार बना रही, रोज रिपोर्टिंग लखनऊ करनी पड़े, उन्हें क्या कह आदमी थोड़े ऐसे जो थानेदार होता है, अगर किसी को पद देना तो चिट्ठी लेकर जा फिर कहते भी जी काम होगा उनका सबका, तो ऐसे लोग उसे भी भाई बचकर आगे और रही हो, ये आया करे या मुसीबत आ रही या आया करे तो मैं एकजुट रहो, ये किसी से कुछ नहीं बिगड़े, ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को तोड़ रहे, इन्होंने सोचा कि सही तोड़ लो, ये जो है कि एक आधी हरी बीमारी सी है जो खजियल से हैर में, वो एक आध देखो जावे 20 जुड़े उसके जाते ही साथ के साथ, तो भाई जिसे जाना होगा वो चला जाइयो, जिसको भी जाना हो, और फिर वापसी है नहीं, वापसी नहीं, फिर जो अभी भी आ रहे ना बहुत लाइन में लग रहे, एक वापसी ले लो बगाना भाई, ब्याह का आज भी अपना वही रहेगा, आज अपना अभी वही काम कर, बहुत वे कर रहे कि जी ले लो जी गलती होगी मगाना, जाओ वहां का तजर्बा वहां का भी लेना चाहिए, ये सरकार भी दे दा रही भाई, उन्हें कुछ उनसे ले ला भी लियो, कोई जो जा रहा सुक्का ही ना जाइयो, देखा यहां से कुछ है नहीं, लेकिन सरकार उन्हें दे दा रही अपना, कर लियो जो कुछ होता है तो ले ला लियो, अपना कुछ और धूल सी जड़ जा, आ सुक्के ना मंज जाइयो, और अपना काम करो, जो भी यहाँ पे रहेंगे ये लंबा चलेगा भाई, ये नहीं कि ट्रैक्टर लेकर अभी बढ़ कर सारे घर चल जाओ, ट्रैक्टर कल से अपने अंदर लगाओ यहाँ पे, उनकी ट्रोलियां लेकर आओ बाहर, उनको लगाओ अपने पंखे अपना कूलर, यहाँ बिजली रहती होगी तो एक आधे में एसी भी लगा लियो, क्या दिक्कत है, क्या एसी कोई नहीं कहीं बता रहा क्या यही लगाओगे, लगा लिया यहाँ पे ये लंबा चलेगा, और हम तो भाई मुख्यमंत्री जी का इंतजार करेंगे, उन्होंने ये कहा कि पेराई सत्र होने से पहले 100% भुगतान हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने कह रखा ये कि जैसे ही पेराई सत्र होगा तो भाई हमें ऐसा लगे कि ये 30 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, पेराई सत्र से पहले कहा गया भुगतान होगा, अभी आवेंगे तो इनसे बातचीत करेंगे कोई, और अपना चलाओ इस संगठन को, हम यही रहेंगे, रात को भी यही रहेंगे, कल भी यही रहेंगे, परसों जाएंगे, अपना आते जाते रहो, और यहाँ गांवों की लिस्ट बना लो, लिस्ट क्या अपना आते रहो हर गांव से आदमी कैसे ही, और अपना यहाँ खाने पीने का कुछ, गांव से जब सुबह ही आओ तो एक तो लस्सी लेकर आ करो, कुछ दूध लेकर आ करो, 10 रोटी बनवा कर लिया करो, जोन सा भी घर से आ रहा है ऐसा ही नहीं है सुख के आओ अंदर, भाई दूध ले आओ लस्सी ले आओ रोटी बनवा के ले आओ, 10 रोटी बनवा के जाओगे तो कितना ही काम चल जाएगा, यहाँ पे सबका ही मन करेगा पूरी पारी ना ज्यादा लंबी चलती, और भाई नहीं ज्यादा कुछ करते तो फिर किसी गुरुद्वारे को कहना पड़ेगा, फिर तो मैं ठीक नहीं लगेगा जी गुरुद्वारे की रोटी खा रहे, नहीं तो बाबा बिल्कुल तैयार बैठे नु कह रहे जी कहीं जोड़ दो खाटा, हाँ कहीं खड़ा जोड़ दो, और वे आ गए तो फिर मैं कह जी हम 8 दिन से पहले जाननी, लेकिन अपने घर तक जाओ बना के, क्योंकि ये नहीं के सिख समाज के उसमें रह गुरुद्वारा और बाबा को भी कहो कि हम मशीन लगावे और वही सारा काम करे, फिर हम भूल जाएंगे सारी की सारी चीज, ये तो आदत खराब कर देंगे बाबे घर तो हमारी, तो अपना घर से 10 रोटी बना के जाओ सारी, यहाँ एक टोकरे में जाले में इकट्ठी कर लो, कौन किस जाति का है कौन किसका है, फिर अपना उनसे ही बांट बांट के दे जो सब्जी अपना यहाँ बनवा ली, और रोटी जागरो गांव से रोटी नाकल से बने यहाँ पे, हाँ अचार भी देगी इनको ज्ञान है, अचार ले आओ गुड़ ले आओ और थोड़ी सी घी घास पर ठीक ले जाओ, कहते सुक्की ले आओ तरन तर बिल्कुल करके, और अपना चलाओ बाबा हर सारे रह रहे भाई बोलने भी ना, हमने इसलिए बताया कि अधिकारी कोई बात करना चाहता हो तो वो भी आ जाओ भाई, प्रशासन के अधिकारी भी, क्योंकि उन्हें कुछ अगर होगा तो आ जाइयो, नहीं जो कल आ जाइयो 10 दिन में आ जाइयो, और क्यों खाम खा तुम भी दुखी हो रहे यहाँ पे, अपना कोर्ट खुलेगी तो ये कैंपस अपना फिर रखना भाई वो किल्लू का, अपना कैसे टेंट का देख लियो कल कितने रखने, और ये साइड में ही रखियो ना, इनका वो किल्लू क्यों छेड़खानी करो,
इंगे को ही रखो यहाँ को पीछे को रही है, और अपने ट्रैक्टर भीतर ही खड़े कर लियो, कुछ यहाँ पे खड़े कर लियो, उनके ऊपर को लगा लियो, तो अपना घर जमाओ यहाँ पे, ठीक है नहीं। और प्रशासन से है पानी के टैंकर दे दो, आरोग्य के तो भिजवा दो कम से कम। ये जो भी बीमार होगा ये जिम्मेदारी आपसे आज के बाद में प्रशासन की है। हरा कपड़ा ये गमछा जरूर रखा करो, सही बात है, बिल्कुल पक्की है या बिल्कुल होगा, ठीक है। दो मीटर का थान मंगवा लो, यही मंगवा लियो, जो भी उसके रेट होंगे भाई, क्योंकि सबका साझला काम है, अपना उसके देते रहे। और एक अपनी टोपी भी ले लो, पंडित जी आवे गांव से बेचन, यो पंडित जी चलेगा, फिर ये टोपी भी जाएगी साथ ही पंडित जी के, हाँ पंडित जी के साथ ये टोपी भी जाएंगी। हमने तो कहा है ना भाई, किसी को सिखा दो पंडित जी, हाँ सिखा दी तो ठीक है, तो चल जाएगा, नहीं तो ये टोपी भी जाएंगी, पंडित जी भी जाएगा, टोपी भी गई साथ ही। तो ये गमछा रखा करो जरूर, कुछ सिर पर भी बंध करो, और 60 साल से ऊपर के जो लोग होंगे, कल से एक अभियान भी चलेगा, जो भी एल फैल कर रहे हो 60 साल लोग को कर लो, बोले 60 साल के बाद में भी बाल काले करवा रहे, टोपी नहीं पगड़ी नहीं, ठीक है। नुके जी गांव में बुढ़े खत्म हो गए जी, बोले 65 साल का आदमी जी गांव में बुढ़े नहीं रहे, बे उम्र कितनी थी 65 साल, तो बुढ़ा तो रहने का ही, जब बाल काले कर रखे तो बुढ़ा का हंसा होगा गांव में। 60 साल से ऊपर के सिर फुल्ला नहीं रहना चाहिए, चादर लपेटो पगड़ी लपेटो बांधो, कुछ ना कुछ सिर के ऊपर को बांधना चाह, ऐसे नहीं बोलो। तो आपका भाई धन्यवाद सभी का, अभी बैठे यहाँ पे, और अपना बात सुनो सब लोगों की, कोई अधिकारी हो उसको भी बुलवा लो, आपको क्या पता कोई ले ही रहा हो, कम से कम सड़क वाला ही आ रहा हो, बिजली वाला ही आ रहे हो, जो इनसे लेते रहो उस पर कलम फेरते रहो, आगे के डिमांड करते रहो, धरना चलेगा भाई, रात को हाजिरी होगी 9 बजे, 9 बजे वाली हाजिरी पक्की मानिए उसको, ठीक है। 9 बजे 11 बजे रागनी वालों को राखियो यहां पे, आओ जी चलो शुरू करो।